tree and the name of the chapter is Amit Needs a Friend. So in this assessment we are going to start with the chapter number 3 because in previous assessment we jab hum log ka first assessment tha we took the chapter number 1 and the chapter number 2. I hope you have already completed those chapters and now is the time for the chapter number 3. This is not your notebook because as it is already Now page number 17.
punching or I'll complain to the teacher. फिर एक न्यू एक जो और स्टूडेंट है जिसका नाम है राज, वो अमित से फ्रेंडशिप करना चाहता था, तो उसने बंटी जो उसको परेशान करता था उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, अमित को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट टीचर से कर दूंगा जाकर। अमित डोंट बी स्केयर्ड ऑफ बुलीज, तो ये सुनते ही जो बच्चा अमित को परेशान कर रहा था बंटी, राज की बात सुनते ही बंटी क्या हुआ, वो भाग गया वहाँ से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो राज ने अमित को बताई, अमित डोंट बी स्केयर्ड ऑफ बुलीज मीन्स अगर आप कहीं नहीं चले जाते हैं, आपका कोई नया एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पे, अगर आपको कभी भी कोई भी वहाँ परेशान करता है, स्कूल में परेशान करता है, देन यू शुड डेफिनेटली टेल योर टीचर्स, आपको अपने टीचर्स से कंप्लेन करना चाहिए। जब आपको कोई फर्स्ट टाइम परेशान करता है, आपको उसी टाइम उसकी कंप्लेंट अपने टीचर से करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने स्कूल में नहीं है, घर पर है, अगर आपको नेबर्स में या कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में आपको कोई भी परेशान करता है कभी भी, फर्स्ट टाइम पे ही यू शुड टेल योर पेरेंट्स और योर फैमिली मेम्बर्स, आपको वो चीज़ें अपने मम्मी पापा या तो आपको अपनी फैमिली से ही बताना चाहिए। एंड कभी भी उनसे कोई चीज़ हाइड नहीं करनी चाहिए, नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर टीचर्स और नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स। सो नाउ जस्ट टर्न द पेज एंड गो टू द पेज नंबर 18। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी राज, अमित ने राज को थैंक यू बोला कि उसने उसकी मदद करी। ओ डोंट वरी, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स डू, आई बी योर फ्रेंड। तो राज ने क्या रिप्लाई किया, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यही दोस्त करते हैं, दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, एंड अब तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वी आर प्लेइंग मैच, डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन, श्योर, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो राज की वजह से बहुत सारे और भी बच्चे थे जो क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने भी अमित से पूछा कि हम लोग यहाँ गेम खेल रहे हैं, क्या तुम्हें भी ज्वाइन करना है। तब अमित ने क्या रिप्लाई किया कि बिल्कुल मैं ज़रूर ज्वाइन करना चाहूँगा, थैंक यू, आई एम सो ग्लैड राज बिकेम माई फ्रेंड दैट डे, आई एम नॉट स्केयर्ड एनी मोर, आई एम नॉट स्केयर्ड एनी मोर एंड आई लव स्कूल। तो अमित क्या था, बहुत खुश था कि उस दिन बंटी जो उसको बुली कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था, उससे राज ने उसको बचाया, उसका फ्रेंड बना। और इसीलिए अमित ने क्या डिसाइड किया, मैं किसी से नहीं डरूंगा और मुझे अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि राजेश का बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया था। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसमें पहले सेंटेंस हम लोगों ने ये सीखा था कि ये स्टोरी को रीड करना है और आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। सो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, बट दिस टाइम दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप मुझे बता पाए कि आप लोगों ने इस स्टोरी से क्या सीखा। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, इस स्टोरी से बहुत इंपॉर्टेंट जो लेसन हम लोगों को मिलता है वो ये मिलता है, अगर आप कभी भी कोई भी नई इन्वायरमेंट में जाते हैं, नई जगह जाते हैं, आपको कोई परेशान करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस दिन आपको किसी ने भी परेशान किया, आपको सेम डे अगर आप स्कूल में हैं देन यू हैव टू कंप्लेन टू योर टीचर्स, आपको अपने टीचर से कंप्लेन करना चाहिए। अगर आप अपने घर पर हैं, आपको आपके फ्रेंड सर्कल में, घर पर नेबर्स में कोई परेशान करता है, डेफिनेटली टेल टू योर पेरेंट्स और योर फैमिली मेम्बर्स, आपको उनसे तुरंत बताना चाहिए। एंड किसी से भी कभी भी डरना नहीं चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, नेवर बी स्केयर्ड ऑफ एनीवन, आपको कभी भी किसी से नहीं डरना चाहिए। अगर आप कुछ गलत नहीं करते हैं तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं होती है, एंड अगर आपको कभी भी थोड़ा सा भी लगता है कोई आपको परेशान कर रहा है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेल टू योर टीचर्स और जस्ट टेल टू योर पेरेंट्स, जो भी पॉसिबिलिटी होती है उस टाइम पे, टीचर्स आप स्कूल में हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, आप उनको ज़रूर बताइए, घर पे हैं आपके फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप उनको ज़रूर बताइए। सो दैट वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट नेवर बी अफ्रेड ऑफ एनी वन, नेवर बी स्केयर्ड ऑफ एनी वन, एंड वेन एवर यू फील इन ट्रबल जस्ट टेल टू योर टीचर्स और जस्ट टेल टू योर फैमिली मेम्बर्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट चैप्टर, वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट चैप्टर, एंड एज इट इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट वॉज द चैप्टर नंबर 3, अमित मेक्स अ फ्रेंड। On page number 15, explanation of the chapter, this was only the explanation, no need to write these things in your notebook, and there is a homework for you, read the complete chapter 3, जो chapter अभी आपने पढ़ा है आपको फिर से करके completely read करना है, फिर से आपको ये समझना है, and that was for all, and in the next video hopefully we will